तो हे गाइस, फिर से स्वागत है आपके न्यू ब्लॉग में और आप देख रहे हैं आरके ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं नमो नमः घाट घूमने के लिए और आप लोग देखिएगा वहाँ का बेहतरीन नज़ारा। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। तो ये से रास्ते से ऑटो पकड़ते हुए हम लोग निकल चुके हैं काशी से नमो नमः घाट की तरफ और वहाँ का नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फाइनली गाइज आगे आते ही देखिएगा यहाँ पे एक बहुत सुंदरी गुंबद है यहाँ पे, और ये मस्जिद है, गुंबद नहीं पता है, लेकिन इसके आगे ही नमो नमः घाट है जहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो फिर चलिए, तो नमो घाट के गोवर्धन धाम पर आने वाले सभी भाई बहन पूजा समिति समय हार्दिक अभिनंदन करता है। चलिए नमो घाट पे चलते हैं फिर। यहाँ देख रहे हैं ये कितना प्यारा लग रहा है। तो फिर नमो घाट पे चलते हैं फिर, वहाँ का नज़ारा आप लोगों को कुछ दिखाते हैं बढ़िया सा। और तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे हैं और आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लेके चलते हैं घाट पे। तो इसी रास्ते से हम लोग चलते हुए और निकलते हैं, तो आगे चल के देखते हैं कि क्या नज़ारा मिलता है, क्या व्यू मिलता है वहाँ का और कितना बेहतरीन होता है। तो ये CNG का पंप है, यहाँ पे CNG रहता है और ये रहा सामने गेट नमो नमः घाट को जाने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं नमो नमः घाट की तरफ, तो वहाँ पे कुछ नज़ारा दिखाते हैं आप लोग को और देखते रहिएगा और ब्लॉग में बने रहेगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है ब्लॉग में। तो चलिए, यहाँ पे तो सफाई काम चल रही है और जो नया चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो एकदम खुले में है और रात के समय मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती होगी और बहुत मज़ा आता होगा यहाँ पे। तो आप लोग शाम के समय आएगा तो और भी बेहतरीन नज़ारा यहाँ पे मिलेगा देखने को। तो अभी फ़िलहाल तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे, आप दीवार पे जो देख रहे हैं इतना सुंदर सुंदर सब बनाया हुआ है, कला किया हुआ है, तो बहुत बढ़िया लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया कला हुआ है यहाँ पे राधे कृष्ण जी यहाँ पे। तो चलिए, तो आगे चलते हैं। यहाँ का जो देख रहे हैं ना, पूरा काशी और पूरा वहाँ पे इसी सब जो फेमस है महादेव अरड़ महादेव। तो आप देख रहे हैं ना, ये तब सुंदर सुंदर सा जो बनाया हुआ है दीवार पे, एकदम लगता है कि हाँ कोई कार्य इस पे किया हुआ है आर्ट। तो वाओ, क्या नज़ारा है सामने नमो नमः घाट का, वो हाथ बनाया हुआ है नमस्कार का, कितना बेहतरीन नज़ारा आप देख सकते हैं ना, वह मज़ा आ जाएगा यहाँ पे अगर घूमने आइए आप लोग तो बहुत मज़ा आने वाला है। और ब्लॉग में देख सकते हैं जैसे मैं दिखा रहा हूँ और आप लोग को एक एक बारीक दिखाऊंगा, तो कैसा लगा आप लोग को ये बताइएगा। देख रहे ना, वाह कितनी बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पे, ज़रूर आप लोग को घूमने आना चाहिए यहाँ पे। हेलो गाइस, तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं नमो घाट और आप देख रहे हैं पीछे का जो बेहतरीन नमो घाट का नमस्कार का जो बनाया हुआ है वो कितना ही बेहतरीन लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में जो हम दिखाए थे मस्जिद का था, वो मस्जिद का थोड़ा सा गुंबद है बाकी उधर में है। ये गोवर्धनधारी मंदिर है जो श्री कृष्ण जी का जिक्र भी है और उनसे कुछ जुड़ी यहाँ पे रहस्य भी है। तो फिर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। तो हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं जैसे कि नमो नमः है तो एक हाथ आपका पार्वती जी का है, इधर वाला बीच वाला जो हाथ है गणेश जी का है और इधर वाला हाथ है जो शंकर जी का है, इसलिए तीनों मेरे को नमो नमः ये घाट का नाम दिया हुआ है। तो आप यहाँ का जो भी देख रहे हैं अपना ज़्यादा जो बढ़िया, आप यहाँ पर आके घूम सकते हैं और बढ़िया से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नमो नमः घाट के पीछे गंगा नदी जो है बहुत ही प्यारा खूबसूरत लगता है देखने में। और यहाँ से जो नज़ारा है नीचे की तरफ का वो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है देखने को। तो आप लोग यहाँ पे आइए, घूमिए
और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। शाम में समय थोड़ा और ज़्यादा ही लोग यहाँ पर रहेंगे क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है तो उतना लोग नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं चारों तरफ। और अभी जलस्तर भी बढ़ा हुआ है, जलस्तर तो काफ़ी बढ़ा हुआ है इधर में, तो यहाँ पे सुरक्षा का भी बहुत ज़्यादा इंतजाम किया रहता हुआ है। सब कुछ बता दिया जाता है कि यहाँ पे पानी इतना है, इधर मत जाइए, वहाँ मत जाइए। यहाँ जो पुलिस है प्रशासन भी बहुत सख्त रहती है। और जो ये पुल की खूबसूरती है आप लोग देख ही सकते हैं, ये कितनी बेहतरीन लग रही है। तो यहाँ आइए आप लोग घूमिए और बताइए कैसा लगा नमो नमः घाट आप लोग को। तो ऐसी ही वीडियो देखते रहिए, कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो ये घाट के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा, तब तक के लिए बाय।